नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे SSC ग्रुप डी वेटिंग को लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, स्टीक खबर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ SSC ग्रुप डी वेटिंग को लेकर। और साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी जानते हैं SSC क्लर्क का कल रिजल्ट आया है, कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे हैं DV को लेकर प्रोसेस बताएं। और दोस्तों, कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड खो गया, हमारा रोल नंबर खो गया, वो कैसे निकाले, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे निकाले, क्या क्या वहाँ पर DV में लेकर जाना, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आज शाम तक या कल तक आपको मिल जाएगी। कुछ एक EWS वाले भाई हैं, उनकी भी कुछ डाउट्स हैं, उसको लेकर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे SSC ग्रुप डी वेटिंग को लेकर, जो आपके लिए बिग और गुड न्यूज़ आ रही है कि विद इन 15 to 20 days, क्या कह रहा हूँ, विद इन 15 to 20 days आपकी ग्रुप डी की वेटिंग क्लियर होने वाली है और आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। जो मेरे पास अपडेट आई है, लगभग 90 to 95% युवाओं को जो है इसमें सिलेक्शन मिल रहा है। ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है और सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल रही है SSC ग्रुप डी वेटिंग को लेकर। और दोस्तों, कुछ से भाई पूछेंगे जो ग्रुप डी वेटिंग में, और अगर उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाती है तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो क्लर्क की DV में गए हैं उनको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हुआ चलता हूँ। तो क्या सबूत मिला है, क्या प्रूफ है इस वीडियो में, उसके बारे में बताऊँगा। और कहाँ से मुझे पता चला है कि विद इन 15 to 20 days आपकी ग्रुप डी की वेटिंग क्लियर होने वाली है, उससे पहले रिक्वेस्ट है, जो भाई चैनल पर नए आए हैं, रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं हरियाणा से जुड़ी जॉब और जॉब से जुड़ी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने लेटर जारी किया है, मोस्ट अर्जेंट है, डेट बाउंड है, और इसमें सब्जेक्ट डाला गया रिगार्डिंग टू सेंड स्टेटस रिपोर्ट ऑफ ग्रुप डी वैकेंट पोस्ट ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग अनविलिंगनेस रिजाइन रीअलोकेशन विच वर एडवर्टाइज बाय एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018। तो दोस्तों, इसमें सभी जो आपके विभाग हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि गए हैं कि भाई 20 दिसंबर तक आप सभी ये बता दीजिए कि आपके विभाग के पास डिपार्टमेंट चेंज होने के बाद, रेजिग्नेशन के बाद, कितनी पोस्ट ग्रुप डी की वैकेंट बचती है एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 4/2018, जिसमें 18,218 पद थे। तो ये सारा रिकॉर्ड मांग लिया गया। और आपकी जो मीटिंग होनी है ना दोस्तों, वो मीटिंग आज हुई है आपकी मीटिंग 19/12/2019 को 3:30 बजे। ये मीटिंग चेयरमैनशिप और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट 4th फ्लोर पे ये आपकी जो है मीटिंग हुई है, जहां पर आपके राजेश खुल्लर जी और CM साहब बैठते हैं। इसमें क्या क्या रिकॉर्ड है, अभी टोटल नंबर ऑफ रिक्वेशन सेंड टू SSC कितनी रिक्वेशन भेजी, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रिकमेंडेशन SSC ने कितनी भेजी, वो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कैंडिडेट कितने प्रेजेंट टाइम, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट ड्यू टू अनविलिंगनेस टू ज्वाइन इन राइटिंग बाय कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट ड्यू टू रिजाइन, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट टू रीअलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट और पोस्ट ऑफ ग्रुप डिवाइड। तो ये पूरा रिकॉर्ड जो है दोस्तों, आपको यहाँ पर लेकर आना है और सारी चीज़ें विद इन 5 to 10 days तक सारी चीज़ें क्लियर कर लेगा यहाँ पर SSC और सभी डिपार्टमेंट। देखिए, मीटिंग में डिटेल तो आज आ जाएगी, जर्नल SC ABC ABCB अक्सर इसमें जर्नल सारी चीज़ें आज निकल कर सामने आ जाएंगी। फिर भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो लेट लतीफ़ी में चलते हैं, जो नहीं बताएंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 5 to 10 days लग जाएंगे। और आपकी लिस्ट आने में दोस्तों मिनिमम 15 days और मैक्सिमम 20 days, तो 15 से 20 दिन के अंदर आपकी यहाँ पर हरियाणा ग्रुप डी की वेटिंग क्लियर हो रही है। इस वीडियो में यही मैसेज आपको देना था। आई होप वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग यूर ऑन YouTube चैनल MD2 Reader Publication। थैंक यू वेरी मच।